कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि डिप्टी सीएम की तरह मोदी और शाह ने वेद नहीं पढ़ा है। नागरिकता कानून और एनआरसी को कांग्रेस शासित और जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है वहां लागू नहीं किया जाएगा। गौरव वल्लभ ने कहा कि प्रियंका के चालान को हम वक्त पर भर देंगे, लेकिन सरकार सीए बेरोजगारी और महंगाई पर जवाब दे। जी, आज बनारस आना हुआ बाबा विश्वनाथ की नगरी में, और आने का प्रयोजन ये था कि जिस तरह से जो वातावरण केंद्र सरकार ने बनाया है, मैंने 5-6 आंकड़े दिए थे कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी, आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट एनपीए लेवल, 6 साल का सबसे लोवेस्ट जीडीपी, 6 साल का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन, 250 रुपये किलो प्याज के भाव, 30 से 40 रुपये किलो आलू के भाव।